नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों सिंगम अगेन। कल मुहूर्त शॉट हुआ था संडे को जबरदस्त तरीके से, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है। मैं आपको बता दूं, मुहूर्त शॉट में रणवीर सिंह थे, अजय देवगन सर तो थे ही साथ में, रोहित शेट्टी, और दोस्तों जिस प्रकार से पूजा पाठ की गई और उसके बाद में फिल्म का मुहूर्त शॉट लिया गया है, काफी मतलब एक जबरदस्त तरीके से ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। ट्विटर पर शायद 1.3 मिलियन व्यूज 2 घंटे में ही हासिल हो गए थे इसके, जो मुहूर्त शॉट लिया गया था जिस प्रकार से। और एक ट्विटर पे ये सिंगम अगेन ट्रेंड करने लगा था, नंबर 2 पोजीशन पे ट्रेंड कर रहा था, तो काफी बड़ी हाइप मतलब इसकी मुहूर्त शॉट के साथ ही शुरू हो गई है। देखिए दोस्तों, रोहित शेट्टी एक बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, लेकिन उनकी पिछली फिल्म सर्कस बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, तो अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है रोहित शेट्टी के लिए। और उन्होंने कहा भी है कि जी जान लगा दूंगा मैं इस फिल्म के लिए, जी जान लगा दूंगा। तो एक बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत जबरदस्त एक्शन सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलने वाले हैं फिल्म में। अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, सिम्बा और सूर्यवंशी अक्षय कुमार का कॉम्बो, उसके अलावा करीना कपूर और दीपिका पादुकोण लेडी सिंगम, और दोस्तों इसके अलावा अर्जुन कपूर को विलेन लिया, जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया उनका ये आइडिया। एक अच्छा विलेन मेरे हिसाब से संजय दत्त या अभिषेक बच्चन या किसी और कलाकार को ये मौका देते, लेकिन रोहित शेट्टी ने कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, शायद वो अर्जुन कपूर से भी अच्छा काम करवा ले, खतरनाक काम करवा ले। अब बाजीराव यहाँ पे पाकिस्तान जाने वाले हैं, तो धूम धड़ाका तो होगा ही, बहुत ही जबरदस्त धूम धड़ाका होगा, और ये बहुत ही सबसे जबरदस्त सुपर कॉप मूवी होने वाली है। अजय देवगन सर ने भी ट्वीट किया था कि 12 साल पहले हमने सबसे बड़ी एक कॉप मूवी की फ्रेंचाइज शुरू की है, उसका बहुत ज्यादा प्यार आपको मिला है, और अब की बार हम जो पार्ट लेके आ रहे हैं वो आपको चौंका देगा। मतलब इतने खतरनाक इसके विजुअल्स और इतने खतरनाक एक्शन सिक्वेंसेज इस फिल्म में देखने को मिलने वाले हैं कि लोग अभी से इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर घोषित कर चुके हैं कि ब्लॉकबस्टर होगी, और ये पठान जवान जो भी आई है ना, उन सबके रिकॉर्ड ब्रेक होने वाले हैं। मैं आपको अभी से बता देता हूँ, क्योंकि ये एक रोहित शेट्टी का एक चैलेंज है, बहुत बड़ी फिल्म बनाने वाले हैं। मुंबई में शूटिंग शुरू हो चुकी है, उसके बाद में अगला शेड्यूल शायद मॉरिशस में है इस फिल्म का, और अप्रैल तक फिल्म की शूटिंग एंड कर करके 15 अगस्त को फिल्म को लेकर के आ रहे रिलीज करने वाले, जहाँ पे इसका क्लेश जबरदस्त क्लेश पुष्पा 2 से होगा। पुष्पा 2 भी बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, लेकिन मुझे लगता है कि पुष्पा 2 को बचना चाहिए सिंगम अगेन से क्लेश करने से, क्योंकि महाराष्ट्र में और हिंदी बेल्ट में मास महाराजा का जो क्रेज है और जो सिंगम अगेन का क्रेज है, वो पुष्पा 2 के लिए बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि साउथ में तो पुष्पा 2 बाजी मार ली जाएगी, लेकिन नॉर्थ में विशेषकर महाराष्ट्र में अजय देवगन सर का जो क्रेज है वो बहुत ही जबरदस्त है, तो इस क्लेश से बचना चाहिए। वैसे दोनों ही फिल्मों को नुकसान होगा, मेरा ये भी मानना है। तो दोस्तों सिंगम अगेन की आप तैयारी शुरू कर दीजिए, अब इस फिल्म के धूम धड़ाके होने वाले हैं, और जल्दी ही फिल्म के बारे में जैसे अपडेट्स आते हैं लगातार आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। धन्यवाद आपका, टेक केयर, जय श्री राम, जय भोलेनाथ।